इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। नौजवानों का ये जुस्सा, बुजुर्गों के आंखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहने, ये नया कश्मीर है। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्यौहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशत गर्दी के साये के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज्यादा वोटिंग, कुलगांव में 62% से ज्यादा वोटिंग, अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास बना है। ये नया इतिहास आपने रचा है। ये नया इतिहास जम्मू कश्मीर के लोगों ने रचा है। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस नई ऊंचाई पर है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई
कैसे सवाल उठा सकता है। इन तीन खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन तीन खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है, जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन तीन खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे, ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे, और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है।
साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। साथियों, ये हम कैसे कर रहे हैं, मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। यहां करीब 50,000 बच्चे, साथियों इस बात से मुझे भारी संतोष है, इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। मोदी ने इन 50,000 बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया। यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई, इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहां करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है।